नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने दो प्याज बारीक काट लिए हैं, लंबे लंबे पतले पतले, और उनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है एक पैकेट ऑयस्टर मशरूम, ये जो है ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में ऑयस्टर मशरूम, तो ये काफ़ी टेस्टी भी है। तो इसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। तो ये एक पैकेट है, मुझे याद नहीं है कि कितना ग्राम है, लेकिन ये एक पैकेट है। तो इसे हम अच्छे से पहले कुक कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसे कढ़ाई में डालेंगे, इसमें से पानी निकलेगा, तो इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे, ढक के हम इसे बना लेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है इसमें से। तो जब तक ये सारा पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता, हमें तब तक इसे भूनना है। और जैसे ही तेल छूटने लगेगा, तब तक हम इसे भूनेंगे और फिर जाके इसमें मसाले डालेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, बहुत ही डिलीशियस है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने कुछ करी पत्ते डाल दिए हैं। तो अभी इसका पानी अब्ज़ॉर्ब करने के लिए आप ढक के भी पका सकते हैं या खुला भी पका सकते हैं। यहाँ पे मैं खुला पका रही हूँ। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक अब्ज़ॉर्ब हो गया है। तो इसी स्टेज में हम मसाले जो हैं एक एक करके हम डाल देंगे। बहुत ही सिंपल मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसे मैं अपनी बेटी को भी दूँगी, तो ज़्यादा तीखा मैं ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, क्योंकि जैसे मैंने अब बताया कि ये बच्चे भी खाएंगे, यानी कि मेरी बेटी भी खाएगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्ची वगैरह ऐड नहीं किया है। बेसिक मसाला यूज़ किया है, जो कि है हल्दी, नमक, और आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और एक ट्विस्ट देने के लिए मैंने थोड़ा सा फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट ऐड किया है। तो ये देखिए, हल्दी डाल देंगे। तो हल्दी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली मशरूम के साथ। कुछ लोग उसे बॉईल भी करते हैं हल्दी डाल के, और फिर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, ताकि कलर जो है बहुत अच्छा है। हल्दी थोड़ा ज़्यादा डाला है, जिसकी वजह से कलर ऑरेंज कलर आया है, क्योंकि मैंने लाल मिर्च कम डाला है, वरना रेड कलर आ जाता। तो ये देखिए, मैं फ्रेश जो कोकोनट है उसको ग्रेट या फिर स्क्रेप करके मैं डाल रही हूँ। इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप कभी डालिएगा। साउथ इंडिया में हम बेसिकली जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट हम डालते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, काफ़ी हेल्दी होता है ये। तो ऐसे हम डालते हैं, टेस्ट अच्छा आता है, आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत डालिएगा। तो अब आप 5 मिनट तक भूनिए तेल में अच्छे से। तेल अगर कम आपको लग रहा है, तो आप थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। और इसे जितना अच्छा भुनेंगे आप, जितना ज़्यादा भुनेंगे उतना ही टेस्टी आएगा। तो अभी मैं एकदम ड्राई कर रही हूँ उसको अच्छे से कढ़ाई में। ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिए, मीडियम फ्लेम में ही इसे आपको पकाना है। और मैं इसे अच्छे से एकदम ड्राई करूँगी। तो ये जो है, बेसिकली आप इसे पराठा रोटी के साथ खा सकते हैं एज ए साइड डिश, और आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, ट्राई रहेगा इसका टेक्सचर। तो आशा करती हूँ आज की सिंपल सी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।